जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिनभर की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, भारत ने रच दिया इतिहास, चांद पर पहुंचा चंद्रयान 3। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। इसरो के मुताबिक तय समय पर यह मिशन पूरा हुआ है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही देश भर में खुशी का माहौल है। चंद्रयान 3 के चांद पास पहुंचने के साथ ही भारत का नाम भी इतिहास के पन्नों में कैद हो गया है। इसरो का सपना भी इसी के साथ पूरा हो गया। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद से ही ये यात्रा जारी थी। पूरी दुनिया को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही देश भर में खुशी का माहौल है। और बड़ी खबर, रूस, अमेरिका और चीन को पीछे छोड़कर भारत ने रखा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम। पूरी दुनिया में फैली इसरो की चांदनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हर भारतीय के लिए गर्व से सीना चौड़ा करने और मस्तक ऊंचा करने का समय है। भारत के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। इस अभूतपूर्व और अप्रतिम उपलब्धि के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट यानी चंद्रमा के हिस्से में उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशन चंद्रमा पर गए हैं वे चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। ब्रह्मांड के इस हिस्से में भारत का परचम लहराने से वैज्ञानिकों ही नहीं बल्कि देश भर की आम जनता के बीच भी भारी उत्साह देखा जा रहा है और सॉफ्ट लैंडिंग से बाकी हर भारतीय का चेहरा खुशी से दमक रहा है। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग से जहां भारत का स्पेस पावर के रूप में उभरा है, तो वहीं इसरो का दुनिया की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के मुकाबले कद भी ऊंचा हो गया है। देशवासी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं और उनके काम की जमकर सराहना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों का तांता लगा है। आपको बता दें कि फिलहाल देश भर में जश्न का माहौल है। और बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग होते ही झूम उठे इसरो के वैज्ञानिक, एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इसरो ने अपने मून मिशन चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सफलता पूर्वक लैंड करा दिया है। जैसे ही चंद्रयान ने चांद की सतह को छुआ, इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। लैंडिंग के दौरान सभी साइंटिस्ट खुशी से ताली बजाते रहे। चंद्रयान की लैंडिंग होने पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 मॉड्यूल विक्रम की पर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। उन्होंने मिशन की सफलता पर अपनी पूरी टीम को बधाई दी। इस दौरान देश भर की जनता ने इस ऐतिहासिक क्षण को लाइव भी देखा। अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर खुशी से झूम उठे पीएम मोदी, दिया पहला बयान, इसरो चीफ से भी फोन पर की बातचीत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने बुधवार को इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी प्रक्रिया देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर से वर्चुअल माध्यम के जरिए इसरो केंद्र से जुड़े और इसरो प्रमुख एस सोमनाथ से फोन पर भी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी ने कहा कि जीवन धन्य हो गया है, ये क्षण जीत के पथ पर चलने का है। ये पल 140 करोड़ धड़कनों का है। आज हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। मैं चंद्रयान 3 की पूरी टीम और देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइंटिस्ट के परिश्रम से हम उस दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गए जहां पर कि कोई नहीं पहुंच पाया है। आज सारे मिथक बदल जाएंगे। हम धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा कहते हैं। कभी कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के हैं, लेकिन अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे कि चंदा मामा बस एक टूर के हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। पीएम मोदी ने कहा कि ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई चेतना का है। आपको बता दें कि ये एक ऐसी उपलब्धि है जो अब तक किसी भी देश को हासिल नहीं हुई है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अगली बड़ी खबर, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने देश की जनता को दी बधाई, बोले अब हम चांद पर हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि हमने चांद पर कदम रख लिया है। उन्होंने कहा कि हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारत अब चांद पर पहुंच गया है। सोमनाथ ने मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करने वाले सभी लोगों का और इसरो के पूर्व प्रमुख एएस किरण कुमार समेत अन्य वैज्ञानिकों का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वे बहुत मददगार रहे, वे उस टीम का हिस्सा थे जो
जो वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ाते थे। इससे वैज्ञानिक अपने काम की समीक्षा करते थे और सुनिश्चित करते थे कि कोई गलती ना हो। आपको बता दें कि फिलहाल एस सोमनाथ ने पूरे देश की जनता को बधाई दी है और कहा कि अब भारत चांद पर है। अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर राहुल गांधी ने भी दी पहली प्रतिक्रिया, इसरो को दी बधाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूरा देश जश्न में डूबा है। इस खुशी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शरीक हुए, उन्होंने इसरो को बधाई दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि इसरो की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिकों की जबरदस्त प्रतिभा और दशकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और सपने देखने वाली युवा पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अपनी सरकार को कोस रही पाकिस्तान की जनता और भारत को दे रही बधाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एक और जहां पर भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 चांद पर सफलता पूर्वक लैंड हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान कमजोर अर्थव्यवस्था कर्ज और धार्मिक अतिवाद प्रेरित राजनीति से जूझ रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार कैसर रशीद ने डेली टाइम्स में अपने एक आर्टिकल में कहा कि जहां पर भारत ने इसरो से लेकर आईटी तक पर ध्यान केंद्रित करके आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया, तो पाकिस्तान अपने आंतरिक संघर्ष और रूढ़िवाद से जूझ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कैसर ने कहा कि सरकारों को कमजोर करने के लिए धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शनों और रैलियों में तब्दील करने से न केवल राजनीतिक सरकारों का संकल्प कमजोर हुआ है, बल्कि इस तरीके की रणनीति ने धार्मिक कट्टरपंथियों ने देश की प्रगति को रोका है। यहां पर पश्चिम की झलक दिखाने वाली किसी भी चीज को गैर इस्लामिक कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। कैसर रशीद ने अपने आर्टिकल में कहा कि पाकिस्तान का चंद्रयान अदूरदर्शिता, आंतरिक्ष कलह और दुनिया की जरूरतों की समझ की कमी के कारण खो गया है। सिर्फ पत्रकारी नहीं बल्कि जनता भी भारत की कामयाबी पर अपनी सरकार को कोस रही है, तो वहीं राजनेता भी भारत को बधाई दे रहे हैं। एक पाकिस्तानी शख्स ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि मुल्क की हिफाजत करने वाले ही मुल्क को खा रहे हैं, ऐसे में हम भारत की बराबरी नहीं कर पाएंगे। उसने कहा कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले बहुत आगे निकल गया है, दोनों देशों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं है। भारत का स्पेसक्राफ्ट चांद पर ही नहीं बल्कि एक दिन मंगल पर भी जाएगा। अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने इसरो और देश की जनता को दी बधाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रयान 3 की सफलता पर देश द्वारा इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला पहला देश बन गया है। अमित शाह ने कहा कि नई अंतरिक्ष यात्रा भारत की खगोलीय महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है, जिससे यह अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए दुनिया के लॉन्च के रूप में अलग हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों के लिए अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार खुलने से हमारे युवाओं के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है, हम सबके लिए यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अपने वैज्ञानिकों और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर नए आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य और हौसले की नई उड़ान चंद्रयान 3 की स्वर्णिम सफलता पर हमें गर्व है। पीएम मोदी के विजनरी नेतृत्व में अर्जित इस उपलब्धि के लिए इसरो की टीम का हार्दिक अभिनंदन और सभी को बधाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चंद्रयान 3 की जय हो, इसकी शानदार सफलता की जय हो। चंद्रमा पर सफलता पूर्वक एक मिशन भेजने में हमारे देश की शानदार उपलब्धि से बेहद खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की गवाही दी है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग कराकर देश ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रच दिया है, जिस पर हर देशवासी गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि यह इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, इसके लिए इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चांद मुबारक, इसरो अब और भी आगे जाना है। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह ने कहा कि मानव इतिहास का अविस्मरणीय पल, अतुलनीय उपलब्धि, आजादी के अमृतकाल में भारत के उदय का प्रतीक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इसरो ने गौरव का क्षण दिया है, इसकी स्मृति और सृष्टि उम्र भर रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े सभी वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं को बहुत बहुत बधाई। तो वहीं
ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो और मिशन में शामिल सभी लोगों को बधाई दी है और कहा कि एक अविस्मरणीय क्षण है और वैज्ञानिकों ने इतिहास रचकर भारत को गौरवान्वित किया है। ये एक ऐसी घटना है जो जीवन काल में एक बार होती है। मैं इसरो चंद्रयान 3 मिशन में शामिल सभी लोगों को बधाई देती हूँ और उन्हें आगे और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं देती हूँ। अगली बड़ी खबर चंद्रयान 3 की सफलता पर सनी देओल ने मारा गदर का डायलॉग, बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गदर 2 की सक्सेस के बीच सनी देओल ने भारत के एक नए इतिहास रचने पर खुशी जताई है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग होने पर सनी देओल ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ में अपनी खुशी जाहिर की। एक्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर चंद्रयान 3 और चांद की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी फिल्म गदर का जबरदस्त डायलॉग भी लिखा है। आपको बता दें कि तस्वीरों को शेयर करते हुए सनी देओल ने लिखा कि कितना गौरवपूर्ण क्षण है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा। आपको बता दें कि सनी देओल ने इसरो को बधाई भी दी है। अगली बड़ी खबर चंद्रयान 3 की सफलता पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को भेजा मैसेज, भारत और इसरो को दी बधाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को बधाई देते हुए कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर बधाई दी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत के चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर मेरी बधाई स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि यह अंतरिक्ष के अन्वेषण में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि बेझिझक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का यह प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के कर्मचारियों को बधाई देता हूं। अगली बड़ी खबर क्या मोदी की 2024 में सेफ लैंडिंग करा पाएगा चंद्रयान 3, केंद्र सरकार को आखिर कितना मिलेगा लाभ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश को संबोधित करते हुए इसे विकसित भारत का शंखनाद बताया। साथ ही भारत के सूर्य और शुक्र ग्रहों के लिए भी लॉन्च होने वाले अभियानों की घोषणा कर दी। भाजपा इस तरीके की बड़ी सफलताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती रही है, तो वहीं विपक्ष इस तरीके की सफलताओं को देश की उपलब्धि बताकर इसे पीएम मोदी की सफलता मानने से इनकार करता रहा है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर कितना लाभ मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे ने कहा कि इस तरीके की किसी भी बड़ी उपलब्धि का सत्तारूढ़ दल को हमेशा लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश युद्ध में भारत की जीत होने पर इसका लाभ इंदिरा गांधी को मिला था, तब इसे वाला सैनिकों की जीत नहीं करा दिया गया था बल्कि इसे इंदिरा गांधी की उपलब्धि करा दिया गया था। इससे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि तेजतर्रार नेता की बनी और विपक्ष उनकी छवि के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। इसी प्रकार जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया तब उसका लाभ अटल बिहारी वाजपेयी को हुआ था। अटल बिहारी 2004 का चुनाव अवश्य हार गए लेकिन आज भी पोखरण विस्फोट को उनकी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करने का पीएम नरेंद्र मोदी को लाभ हुआ था। 2019 में भाजपा की ऐतिहासिक सफलता में इस सर्जिकल स्ट्राइक की बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के लिए इसरो को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। अगली बड़ी खबर चांद पर उतरते ही चंद्रयान 3 ने इसरो को भेजा खास संदेश, कहा मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी पहुंच गए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 ने चांद पर उतरते ही इसरो को खास संदेश भेजा है। चंद्रयान 3 ने इसरो से कहा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी पहुंच गए हैं। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए पूरे देश को बधाई। आपको बता दें कि अब चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर निकल आया है। अब चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान चहलकदमी करेगा और कई साक्षी जुटाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।